हेलो राइजिंग स्टार्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज ऑल अ लर्निंग विद सिंदर। आज हम क्लास 12 का क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ चैप्टर 1 सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स ए एंड बी आर 450 एंड 700 एमएमएच। यानी जब भी हमें कोई चीज प्योर होती है ना, यानी कि हम उसके ऊपर ना उसका एक चांद लगाते हैं। ठीक है, ये है प्योर, इसके ऊपर हमने चांद लगाया और हमारा ए का प्योर कितना दे रखा है 450 mmHg उसकी यूनिट है। ठीक है, सेम हमें पी भी, यानी कि पी नॉट बी प्योर है ना, तो अगर कोई भी चीज प्योर होगी तो उसके ऊपर ये नॉट जरूर लगेगा, यानी कि चांद जरूर लगेगा और इसका हमें दे रखा है 700 mmHg। आगे बढ़ते हैं, एट 350 टेम्परेचर हमें फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर। कंपोजिशन निकालनी है लिक्विड मिक्सचर की इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mmHg और हमें P टोटल भी गिवन है। क्या गिवन है? 600 mmHg। फर्स्ट पार्ट क्या था? कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड फेज निकालनी है, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, XA एंड XB फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक्स ए एंड एक्स बी फाइंड आउट करना। हमें पता है अगर हमारा टोटल प्रेशर पी है वो किसके इक्वल होता है, पी ए प्लस पी बी, किससे आया ये वाला, रॉड्स लो, से क्या आया, पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी। अब हमें पता है कि पी ए किसके इक्वल होता है, पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। राइट, अब देखो मेरे पास ये पीटी गिवन है। ठीक है, मेरे को ये पीटी गिवन है, पी नॉट ए गिवन है और पी नॉट बी गिवन है। मेरे पास एक इक्वेशन बट मेरे पास ये दो वेरिएबल है, तो मैं इसको इन दोनों एक्स ए यानी कि काय ए और काय बी में कोई रिलेशन आपको पता है? हाँ हमें बिल्कुल पता है, काय ए प्लस काय बी इज इक्वल टू वन। राइट, तो मैं काय ए को या काय बी को मैं लिख सकती हूँ वन माइनस काय ए। राइट, लिख सकती हूँ, तो मैं इसको यहाँ पर पुट कर दूंगी, यानी कि मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, पी नॉट ए काय ए प्लस पी नॉट बी वन माइनस काय ए। राइट, फिर आप से पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी को वन से मल्टीप्लाई करेंगे, पी नॉट बी प्लस माइनस माइनस पी नॉट बी काय ए। राइट, अब देखो पी टी की वैल्यू हमें 600 450 काय ए निकालना है, पी नॉट बी की वैल्यू 700 माइनस पी नॉट बी 700 और काय ए निकालना है, कोई डाउट? ठीक, अब देखो ये वाला नॉर्मल है, ये वाली लाइट पंच, ये दोनों लाइट पंच, मैं इसको इधर ले आऊं, कोई डाउट? यानी कि 600 माइनस 700 इज इक्वल टू सेम इन दोनों को 450 काय ए माइनस 700 काय ए, इसको माइनस करूंगी तो माइनस 100 इज इक्वल टू सेम यहाँ पे माइनस 250 काय ए, यानी कि मेरे पास काय ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको डिवाइड में लेके चले जाओ, यानी कि माइनस 100 डिवाइडेड बाय माइनस 250, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, ये 2 ये 5, यानी कि काय ए मेरे पास आ गया और ये माइनस से माइनस है, काय ए आ गया था 0.4, काय ए क्या आ गया 0.4, सेम मैं यहाँ पर पुट कर दूँ, काय बी इज इक्वल टू 1 माइनस 0.4, काय बी क्या आ गया मेरे पास 0.6। ठीक है, मेरे पास काय ए की वैल्यू आ चुकी है एंड काय बी की वैल्यू आ चुकी है। राइट, कोई फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, सेकंड पार्ट क्या बोला गया, ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। वेपर फेज की भी कंपोजिशन फाइंड आउट करनी, वेपर फेज का हमारा जो लिखते हैं उसको क्या लिखते हैं, वाई ए एंड वाई बी से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, हमारे पास एक रिलेशन है, क्या रिलेशन है, टी P, यानी कि P टोटल y a, P टोटल
और वेपर फेज इज इक्वल टू पी ए के। और पी ए क्या होता है हमारा पी नॉट ए एक्स ए और आई टी, ठीक है। तो यानी कि पी टी वाई ए इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए, राइट। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, काई वाई ए की वैल्यू चाहिए, क्योंकि वेपर फेज में हमारे वाई ए एंड वाई चल रहे, राइट। वॉट इट, यानी कि वाई ए इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए अपॉन में पी टी, कोई ना, ठीक है। अब मैं इसकी वैल्यू पुट कर देती हूँ, पी नॉट ए कितना है हमारे पास 450, काई ए की वैल्यू अभी हमने निकाली 0.4, पी ए टोटल हमें मेंशन है 600, इसको नीचे 10 जीरो से जीरो, यानी कि हमारे पास 45 × 4 अपॉन में 600, और इसको काट पेट कर हमारे पास वैल्यू आएगी, वो आएगी 0.4। अब सेम जो हमारा रिलेशन इस लिक्विड फेज में होता है, सेम हमारा वेपर फेज में भी वही रिलेशन होता है, दैट इज वाई ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू 1, और ये मेरी वैल्यू किसके है वाई बी, वाई ए की वैल्यू 0.3 प्लस वाई बी इज इक्वल टू 1, यानी कि वाई बी क्या हो गया मेरा 1 − 0.3, that is equals to 0.7। बस फर्स्ट ओवर क्वेश्चन कि हमारा जो y a आया है वो 0.3 आया है और y b is 0.7। ये जो y है ये हमारे वेपर फेज के हैं और जो हमारे x a और x b है वो हमारे लिक्विड फेज है। क्वेश्चन है